पुलवामा आतंकी हमले के एक हफ्ते बाद एक और बड़े हमले का अलर्ट आया है। सूत्रों की माने तो जैश ए मोहम्मद के आतंकी अगले 2-3 दिनों में हमले को अंजाम दे सकते हैं। पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों के परिवार के आंखों के आंसू अभी सूखे भी नहीं हैं कि एक और नया खतरा आ पनपा है। खुफिया सूत्रों की माने तो जैश ए मोहम्मद पुलवामा से भी बड़ा हमला कर सकता है। ये हमला अगले 2-3 दिनों के भीतर ही हो सकता है, जिसके लिए गाड़ी भी तैयार कर ली गई है। खुफिया एजेंसियों को जो इनपुट मिले हैं उसके अनुसार उत्तरी कश्मीर में चौकी बल और तंगधार में आईईडी ब्लास्ट के जरिए हमला करने की साजिश में है जैश। ताजा इनपुट मिलने के बाद खुफिया एजेंसियों ने सुरक्षा बलों को चौकन्ना रहने को कहा है। इनपुट के अनुसार जैश के आतंकियों के द्वारा एक गाड़ी को तैयार कर लिया गया है, जिसके जरिए आईईडी ब्लास्ट कर एक बार फिर सुरक्षा बलों के काफिले को निशाना बनाया जा सके। इस हमले के लिए एक हरे रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी को तैयार किया गया है, ताकि एक बार फिर पुलवामा की तरह फिदायीन हमला किया जाए। जो मैसेज डिकोड हुआ है उसके अनुसार पिछले हमले में 200 किलोग्राम खिलौने का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इस हमले में 500 किलोग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस संदेश में कहा गया है कि सेना को कश्मीरियों का निशाना बनाना बंद करना चाहिए। ये जंग हमारे और सेना के बीच की है, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि एक अन्य इनपुट में ये भी पता चला है कि कुछ लोकल कश्मीरियों को आतंकी बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है। बताया गया है कि सरहद के उस पार 5 से 6 आतंकी घुसपैठ के लिए गुरेज सेक्टर के पास बैठे हैं, जो आदेश मिलते ही हिंदुस्तान में दाखिल हो जाएंगे। और आपको ये भी बता दें कि 14 फरवरी को जैश ए मोहम्मद के ही आतंकियों ने पुलवामा में बड़ा आतंकी हमला किया था, जिसमें सेना के 40 जवान शहीद हो गए थे। ये हमला जैश के आतंकी आदिल अहमद डार ने किया था। आदिल एक गाड़ी लेकर CRPF के काफिले में जा घुसा था, जिससे बड़ा ब्लास्ट हुआ था।